पाकुम, तुम में अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुकर्रम व मोहतरम व बुज़ुर्ग बरतर व इंसान है जो तुम में सबसे ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार हो। यानी अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह के करीब हो सकें तो उसका एक ही रास्ता है और वो रास्ता है तकवा, उसका एक ही रास्ता है और वो रास्ता है परहेज़गारी। जितनी ज़्यादा परहेज़गारी हम करेंगे, जितने ही ज़्यादा हम तकवा के करीब होते जाएंगे, उतने ही जो है अल्लाह के बारगाह में बाइज़्ज़त होते चले जाएंगे। न सिर्फ अल्लाह के बारगाह में बल्कि दुनिया वालों की बारगाह में उनके सामने भी हम बाइज़्ज़त होंगे। इसलिए शायद इसीलिए कुरान करीम ने दूसरी जगह एक बात कही है जो इससे किसी हद तक मिल रही है। हम और आप मुआशरे में इज़्ज़त हासिल करने के बहुत सारे असबाब फराहम करते हैं, कम से कम उसमें यह है कि हम लिबास बदलते रहें। इस महफिल में गए तो कोई लिबास, उस महफिल में गए तो कोई लिबास, किसी और महफिल में गए तो कोई लिबास। और अगर कोई आदमी दो चार महफिलों में एक ही लिबास पहन के जाए तो लोगों की निगाह में कितने ही बुलंद हो, लोग कहेंगे नहीं नहीं हमने गलत समझा था, इसके पास इस एक कपड़े के अलावा कुछ नहीं है। तो जिस लिबास को हम इज्जत का ज़रिया बना रहे थे वही लिबास हमारी जिल्लत का ज़रिया बना। लेकिन अगर हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए इज्जत हासिल करना चाहते हैं तो परवरदगार आलम हमसे ख़िताब कर रहा है, वलिबासु तक्वा ज़ालिका खैर। और देखो तकवे का लिबास बेहतरीन लिबास है जो तुम्हें इस दुनिया में भी बाइज्जत बनाएगा और जो तुम्हें आखिरत में भी बाइज्जत करार देगा। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान करीम के जिस फ़िक्र को मैंने आपकी खिदमत में जिसकी तलावत का शरफ़ हासिल किया है, इरशाद होता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। ऐ साहिबान ईमान, तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथी हो जाओ। अज़ीज़ों, हमारे दरमियान तीन चार अल्फाज हैं, पहला इस्लाम, दूसरा लफ्ज़ है ईमान और तीसरा लफ्ज़ है तकवा और चौथा मरहला है कूनू मअस्सादिक़ीन। इस्लाम, ईमान, तकवा और कूनू मअस्सादिक़ीन। इस्लाम बहुत अहम चीज़ है मगर एक मुसलमान अल्लाह की निगाह में इस लायक भी नहीं है कि परवरदगार उससे ख़िताब करे अगर सिर्फ वो मुसलमान है। एक मुसलमान, ये कोई बड़ा काम नहीं है क्या कि कोई आदमी साहिब इस्लाम हो गया? क्या नहीं, बहुत बड़ा काम है। कोई अपना मजहब छोड़ के मजहब इस्लाम में दाखिल हो जाए, ये बहुत बड़ा काम है। तो फिर अल्लाह ने इस शख्स को लायक ख़िताब क्यों नहीं समझा? कुरान आप पढ़िए, कहीं भी या अय्युहल मुस्लिमून कह के खिताब नहीं किया गया, कहीं भी या अय्युहल लदीना असलमु कह के खिताब नहीं किया गया। ऐ मुसलमानों तुम्हें यह करना है, नहीं कहा गया। ऐ वो लोगों जो इस्लाम ले आए तुम्हें यह करना है, नहीं कहा गया। जब भी कभी किसी को लायक खिताब समझा गया है तो कम से कम मोमिन को कुरान में जहां जहां खिताब किया गया है या अय्युहल लदीना आमनू, ऐ ईमान वालों, और फरमा रहे अज़ीज़ाने गिरामी, तो समझ में नहीं आ रहा है कि साहिबान इस्लाम को खिताब के लायक क्यों नहीं समझा गया। एक मिसाल दे दूं अज़ीज़ाने गिरामी, हर घर की वो मिसाल है। हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, कुछ दिन हम खिलाते रहते हैं, हमें कोई फिक्र नहीं होती, फिर वो बच्चा बैठने लगता है, फिर सरकने लगता है, फिर घुटनियों चलता चलने लगता है। लेकिन हम उसी अंदाज से जो बर्ताव इब्तिदा में था हमारा वही बर्ताव रहा। फिर वो बच्चा जो है एक दिन चारपाई पकड़ के हमने उसे खड़ा कर दिया, वो खड़ा रहा या खुद चारपाई के सहारे से खड़ा हो गया, तब भी हमने तवज्जो नहीं दी।
लेकिन एक दिन हमने देखा कि वो खुद अपने पैरों पे खड़ा है, ठीक है। तो आज हमें थोड़ी ज्यादा खुशी हुई, ये सारे मराहिल हुए, ये बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो बैठ जाए, वो घुटनियों चले, वो सहारा लेके खड़ा हो जाए, फिर वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, ये सब बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब तक वो ये करता रहा, हमने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। जैसे रोज लाड प्यार करते थे तो नहीं करते रहे, लेकिन उसके आगे बढ़ाने के सिलसिले में कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन जब ये बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो गया और हमने देखा कि अब इसके पैर किसी हद तक मजबूत हो गए हैं, पहले दिन जब हमने देखा कि वो पैर सरका रहा है, उसी दिन हमने उसे सहारा दिया, ये दोनों उंगलियां पकड़ लो और चलो। बच्चे ने उंगलियां पकड़ी, चलना शुरू किया, हमने धीरे से उंगली हटा ली, वो एक कदम चला और गिर गया, फिर हमने उसे सहारा देके खड़ा किया। जब वो चलने लगा फिर हमने उंगली दे दी, फिर उंगली के सहारे से वो चला, अब दो की जगह तीन कदम चला और फिर गिरने लगा, फिर हमने सहारा दिया, फिर वो अपने आप से चार पांच कदम चला, फिर गिर गया। हमने इतनी बार सहारा दिया कि अब हम उसे धक्के भी दे रहे हैं तब भी वो नहीं गिर रहा है। तवज्जो है नहीं जाने गरामी। तो इस्लाम पैदाइश से लेके अपने पैरों पे खड़े होने तक का मरहला है कि यह काम तो बहुत बड़ा है, लेकिन जब तक तुम ये नहीं बताओगे कि हम बढ़ना चाहते हैं, यह पैरों पे खड़ा होना कोई बात ही नहीं है। सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद। तुम एक कदम बढ़ के दिखाओ कि हम खाली खड़े नहीं रहना चाहते, हम बढ़ना भी चाहते हैं। जो ही मरहले ईमान में आके आदमी ये बताता है परवरदिगार हम खाली मुसलमान नहीं रहना चाहते, मरहले ईमान में आके आगे बढ़ना चाहते हैं, अब अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू के जरिए सहारा देना शुरू किया, कदम कदम पे या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के खिताब किया, या आगे बढ़ा गिरा, या आगे बढ़ा गिरा, या आगे बढ़ा गिरा, यहां तक कि सहारा दे दे के परवरदिगार आलम ने इसके पैरों को तकवा के रास्ते पे इतना मजबूत कर दिया कि शैतान धक्के भी देना चाह रहा है तब भी ये जमीन पे नहीं आ रहा है। सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस पहला मरहला इस्लाम का है और दूसरा मरहला ईमान का है और तीसरा मरहला तक्वे का है। हम जो अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत का दावा करते हैं, ये चौथा मरहला है। और फरमा रहे ना इसमें तवज्जो देने की जरूरत है, ये पहला मरहला नहीं है कि इस्लाम सही हो न हो, ईमान सही हो न हो, तकवा सही हो न हो, आले मोहम्मद के मुहिब है, ये पहला मरहला नहीं है। सादिकीन की मैयत उसी वक्त हासिल होगी जब इंसान इन तीनों मराहिल से गुजर जाएगा, उससे पहले सादिकीन की मैयत हासिल नहीं होगी। मुमकिन है मोहब्बत पैदा हो जाए और हम उनके करीब हो जाए, लेकिन अगर ईमान और तकवा नहीं रहेगा तो हम करीब हो के भी उनसे दूर हो जाएंगे। मैं मिसाल दूं अज़ीज़ाने गिरामी, मुतमईन नहीं रहना चाहिए कि हम अहले बैत ताहिरीन के चाहने वाले, हम तो हैं ही उनके करीब, हम तकाजा इस्लाम पूरा करें न करें, हम तकाजा ईमान पूरा करें न करें, हम तकवा के मराहिल से गुजरे न गुजरे, हम तो हैं ही अहले बैत वाले। ये अपने आप को धोखा देना है अज़ीज़ाने गिरामी। मिसाल दे दूं मैं आपकी खिदमत में, इब्ने मुल्जिम का नाम तो आप जानते हैं ना, अब्दुल रहमान इब्ने मुल्जिम, ये हमारे बच्चे भी जानते हो, कौन था ये जी, कातिल जनाब अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम। वाली जनाब इमाम अमीरुल मोमिनीन सलाम का जब दौर खिलाफत आया है तो मौला ने वाली यमन को ये लिखा कि हमारे चाहने वालों में 10 ऐसे चुने हुए लोगों को भेज दो मेरे पास जो उमूर सल्तनत में मेरे काम आ सके। क्या फरमाया इमाम ने, यमन के वाली को लिखा
कि हमारे चाहने वालों में 10 ऐसे लोगों को चुन के भेजो, चुन के, जो उमूर सल्तनत में मेरे काम आए। वालिये यमन ने वहां के अहले बैत के चाहने वालों में 100 लोगों को चुना। इमाम ने 10 मांगे थे, उसने कितना चुना? 100 लोगों को चुना। 100 में 80 लोगों को चुना, 80 में 50 लोगों को चुना, 50 में 30 लोगों को चुना, 30 में 20 लोगों को चुना, 20 में 10 लोगों को चुना। कितनी बार चुना? अच्छे, इसलिए कि अहले बैत वाले, उनमें से भी अच्छे 100, उनमें भी अच्छे 80, उनमें भी अच्छे 50, उनमें भी अच्छे 30, उनमें भी 20, अब उनमें भी 10। पूरी मिल्लत में से चुन के चुनीदा तरीन फरा 10 लोगों को मौला की खिदमत में भेजता है वो वाली मदीना। जब ये लोग अमीरुल मोमिनीन के पास आए तो उसमें सबसे ज्यादा बेहतरीन अंदाज में फजाइल व कमालात अमीरुल मोमिनीन कुरान व हदीस की रोशनी में बयान करने वाला जो शख्स था उस 10 में भी, उसका नाम है अब्दुल रहमान इब्ने मुल्यम। और फरमा रहे वो आके मेरे मौला की खिदमत में कुरान और हदीस की रोशनी में आपके फजाइल और कमालात बयान कर रहा है। जब उसने कुछ ज्यादा ही फजाइल बयान किए तो मौला फरमाते हैं तेरा नाम अब्दुल रहमान, कब आपका नाम का मुलजिम, का अगर तू अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम है तो तू ही मेरा कातिल है। पूरी मिल्लत में 100, उसमें भी छांट छांट के 10, उसमें भी 1। तवज्जो है ना जाने गिरानी, का तू ही मेरा कातिल है। कब कहा? जब वो अमीरुल मोमिनीन के फजाइल और कमालात को मौला के सामने कुरान और हदीस की बुनियादों पे बयान कर रहा था। तवज्जो है ना जाने गिरानी, यहां से यह अंदाजा हुआ कि यहां आके हर बयान करने वाले के पीछे पीछे नहीं चलना चाहिए, इसलिए कि हर एक अली की तरफ नहीं ले जाता, कुछ अमीर शाम की तरफ भी ले जाते हैं। सलावत भेजे मोहम्मद वाले तो बोला रहेगा तू मेरा कातिल है। तो वो कहता नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, जो आज का इतना सख्त तरीन मुहिब है वो कैसे मान ले मैं कातिल हूं। कैसा मुमकिन ही, मुमकिन है तू ही मेरा कातिल है। जब अमीरुल मोमिनीन ने कहा तो जाहिर है कि जब जानता था कि अली क्या है तो उनकी बात पे यकीन भी था। तो कहता मौला अगर वाकई ऐसा होने वाला, ये तलवार लीजिए और अभी मेरा गला काट दीजिए, न मैं रहूंगा न ये इर्तकाबे जुर्म करूंगा। मौला फरमाते हैं हम जुर्म से पहले सजा नहीं देते। और फरमा रहे हैं ना, इसी इब्ने मुल्जिम के पास उसी जमाने में कुछ दिनों के बाद हिंदुस्तान से सैफ हिंदी तोहफे में पहुंची। सैफ हिंदी, हिंदी तलवार उस जमाने में बड़ी मशहूर थी, उसके पास तोहफे में पहुंची। तो जब तोहफे में पहुंची तो ये उस तोहफे को लेके मौला की खिदमत में आया। किसी ने उसे तोहफा दिया, उसे कीमती समझ के वो मौला की खिदमत में लाया। मौला ये तलवार तो मेरे पास आ गई है मगर इसे चलाने के लिए हाथ चाहिए, अगर आपके हाथ में रहेगी तो ये अपने जौहर दिखाएगी। मौला फरमाते हैं तू इसे ले जा, अनकरीब इससे तेरा मकसद पूरा होगा। अजीज़ा निगरामी, तारीख के ये सफहात आपको कोई नहीं दिखाता, जबकि जरूरी है दिखाना ताकि पता चले कि सिर्फ जबानी दावों से कुछ नहीं होता जब तक कि इंसान अमल के मरहले में ना आए, जब तक कि इंसान वाकयन अपने आप को उस रास्ते पे न चलाए जो अहले बैत ताहरीन का रास्ता है।
उस रास्ते पे न चलाए जो मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहि सलाम का रास्ता है। बस हम जबानी जमा खर्च किए हुए, बहका कैसे? अमीर शाम ने पैसे का लालच दिया, कूफे आया मौला को कत्ल करने, उत्तामा से मुलाकात हुई, उसने अली के सर को महर करार दिया। इतना बड़ा चाहने वाला कातिल कैसे बना? कच्चन सिक्कों की वजह से, एक खबीस खातून की वजह से। तवज्जो है नहीं जाने गरामी, तारीख के ये दो फिक्रे हमें बताते हैं कि अपने ईमान का इम्तिहान लेना चाहिए, कब पैसों की वजह से और कब हुस्न की वजह से आदमी ईमान के रास्ते से हट जाता है, उसे पता भी नहीं चलता कि हम रास्ता छोड़ चुके। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। पैगंबर अकरम के बाद अमीरुल मोमिनीन के साथी बहुत कम रह गए थे। उन पुरखलूस साथियों में दो नाम और हैं, उन पुरखलूस साथियों में दो नाम और हैं, नाम आपने सुना होगा। एक का नाम है तलहा, एक का नाम है जुबैर। ये उस वक्त तक मौला के साथ साथ रहे हैं मुकम्मल तरीके से जब तक कि मौला को जाहिरी खिलाफत नहीं मिल गई। जब मिली तब भी साथ रहे, अलबत्ते इन्हें यह एहसास हुआ कि हमने इतना साथ दिया और मौला ने हमें कुछ नहीं दिया, अब तो खलीफतुल मुस्लिमीन हो गए, कहीं का वाली बना देते, कहीं का इक्तदार, कहीं का ओहदा दे देते, हमें नहीं दिया। तवज्जो है, ये दोनों मौला के सख्त तरीन साथियों में थे, लेकिन जब इन्हें ओहदा नहीं मिला अमीरुल मोमिनीन की तरफ से, एक मोहतरमा मदीने से मक्के गई हुई थी, उसी जमाने में इन्होंने मौला से कहा इजाजत है हम मक्के चले जाएं। मौला फरमाते मुझे डर है तुम लौटोगे नहीं। किसे कह रहे हैं? ये जो इमाम के साथी हैं दोनों, मुझे डर है तुम लौटोगे नहीं। नहीं नहीं लौटाएंगे, बस इजाजत चाहिए आपकी। इजाजत दे दी, लौटे कहां जानते हैं? जब जब जंग जमल शुरू हुई तो ये अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले पे लौटे। ये वाकया सुनाने का मकसद सिर्फ ये है अजीजाने गरामी कि ओहदे की लालच, सीमोजर की फरावानी की तमन्ना, किसी के इश्क में मुब्तला हो जाना, यह सारी चीजें वो हैं जो न सिर्फ ये कि ईमान को खत्म कर देती है बल्कि कुल ईमान के कत्ल का सबब भी बन जाती है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फरमाओ में बस इसलिए हमें अपने ईमान को जांचते रहना चाहिए कि जिस ईमान का शोर मचा रहे हैं वाकई वो ईमान हमारे अंदर पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है। ईमान आदमी के अंदर तब्दीलियां लाता है अजीजाने गिरामी, अगर तब्दीली नहीं आ रही है तो समझ लीजिए ईमान नहीं है। ये नमाजें आदमी के अंदर तब्दीलियां लाती हैं। हम समझते हैं दो तीन चार रकातों को नमाज कहा जाता है, न कुरान ने दो तीन चार रकातों को नमाज समझा है, न हदीस ने दो तीन चार रकातों को नमाज समझा है। आप परेशान होंगे कि क्या कह रहे हैं, पढ़ता तो मैं भी दो तीन चार रकात, मगर इसे ना कुरान ने माना है नमाज, ना हदीस ने माना है नमाज। हमने कहा ये क्या नमाज नहीं है, हम तो पढ़ते हैं। कहां पढ़ते तो हैं मगर ये नमाज नहीं है। हमने कहा क्या है? कहा ये शक्ल है नमाज, सूरत है नमाज, तरतीब है नमाज, नमाज की रकातें, नमाज का तरीका, ये सब हो सकता है, नमाज नहीं है। हमने कहा नमाज क्या है? अब कुरान बोला इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर। नमाज उस अमल को कहते हैं जो आदमी की बुराइयों और बेहयाइयों को खत्म करे। अब अगर ये काम
दो रकातों से हो तो दो रकात को नमाज कहा जाएगा, और अगर जिंदगी भर की नमाजों से ना हो पाए तो आदमी टक्कर मार रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा। हर चीज का कोई ना कोई हासिल है अज़ीज़ान गिरामी, अगर वो हासिल हमारे सामने नहीं आ रहा है, वो नतीजा हमारे सामने नहीं आ रहा है, तो न नमाज किसी काम की है, न रोजा किसी काम का है, और नहीं मोहब्बत किसी काम की है। बहुत वाज़े अंदाज में मैं आपके खिदमत गुज़ारी करना चाहता हूँ कि जिस मोहब्बत को हम मोहब्बत समझते हैं उसके बारे में हमें गौर करना चाहिए कि वाकई वो मोहब्बत है या नहीं है। वो मोहब्बत बाकी रहेगी किस बुनियाद पे? जब आदमी के अंदर ईमान होगा, जब आदमी के अंदर तकवा परहेजगारी होगी तो वो मोहब्बत बाकी रहेगी। मैंने दो तीन मिसालें आपके सामने दी है ना, जिनकी जो चाहने वाले थे, मोहब्बत करने वाले थे, अमीरुल मोमिनीन के अच्छे खिदमत गुजार थे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एक ही दो नहीं है, मैंने दो तीन मिसालें आपके सामने दी हैं। मगर चूंकि उनके यहां तकवा परहेजगारी और ईमान की हकीकी दौलत नहीं पाई जाती थी, लिहाजा वहां रह के भी वो नहीं हो सके जो उन्हें होना चाहिए था, और लानतों का तौक उन्होंने पहन लिया। तो अब उनको भी दिखा दूं जो अहले बैत को वैसे मानते थे जैसे मानना चाहिए, ताकि पता चले कि जो जादे तकवा पे चलता है वो हर हाल में अपने ईमान और तकवा की हिफाजत करता है, ना अपने माल की हिफाजत करता है, ना जान की, जान भी चली जाए तो ईमान बाकी रहना चाहिए, तकवा बाकी रहना चाहिए। हुक्म खुदा और रसूल और अहले बैत ताहिरीन पे चलना, इसी को तकवा कहा जाता है। वो जिस चीज से रोक दे रुक जाना, जिस चीज के चलने के जिस पे चलने को कहे चलना, इसी को तकवा कहा जाता है। जंग सिफीन में जनाब अमीरुल मोमिनीन ने जनाब मालिक के अश्तर को आलमदार लश्कर बनाया। कितनी बड़ी बात हुई, आलमदार लश्कर रसूलुल्लाह, मालिक को आलमदार बना रहे। जब कभी कोई बहुत बड़ा किसी छोटे आदमी को कुछ बना देता है तो इसे यकीन नहीं होता कि मैं ही हूं जिसे बनाया गया, ठीक है ना? तो जब अली ने मालिक को आलमदार बनाया होगा तो मालिक सोचते होंगे जिसे रसूल ने मुंतखब फरमाया भला वो मेरे जैसे का इंतखाब करेगा, शायद नहीं नहीं मैं नहीं रहूं, मैं नहीं हूंगा। लेकिन जब मालूम हो नहीं नहीं आप ही हैं, तब फिर एक मरतबा सर उठा के सोचा होगा अच्छा तो इसका मतलब अगर मुझ में वो सलाहियतें न होती तो मेरा मौला मेरा इंतखाब क्यों करता। सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद, है ना? तो पहले सोचा होगा नहीं ऐसा नहीं मुमकिन नहीं है, जिन्हें रसूल अलमदार बनाए वो मुझे, मैं न इमाम न मासूम कुछ नहीं, मुझे बनाएंगे। लेकिन जब पता चला नहीं मैं ही हूं मुझे को बनाया गया, अच्छा तो इसका मतलब मेरे अंदर मौलाना सलाहियत देखी होगी, अगर नहीं होती तो मुझे न बनाते। अच्छा तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आलमदार जो बनाया जाता है लश्कर का, वो जंग जीतने के लिए बनाया जाता है कि जंग हारने के लिए? जी जंग जीतने के लिए, ठीक है ना? तो जब मालिक के जहन में यह बात आई होगी कि मेरे आका ने मेरी सलाहियतों को देख के मुझे इस लश्कर का आलमदार बनाया है कि इनके अलावा कोई इस लश्कर को कामयाबी तक नहीं ले जा सकता, तो पहले दिन से मालिक की यह फिक्र रही होगी कि नहीं कि मौला अगर आपने मुझे इस लश्कर का सरदार बनाया है तो सही मैं इस जंग को जीत के बताऊंगा कि आपने जैसा मुझे समझा था मैं वैसा ही हूं। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, है ना? तो मालिक ने जंग को पहले दिन से जीतने की ठानी होगी कि जीत के आका को बताऊंगा कि आपने गलत एतबार नहीं किया था, मैं काबिल एतबार था। यह जंग चली दो चार दिन नहीं महीनों,
और महीनों मालिक इस कोशिश में थे कि जंग जीत के बताऊं कि जिस पे एतबार किया था वो काबिल एतबार था। एक दिन जब जनाब मालिक अश्तर लड़ते लड़ते अमीर शाम के खेमे तक पहुंच गए, अब चंद घंटों का मामला कहिए, बस तलवार चली, अमीर शाम गया और ये जंग अमीरुल मोमिनीन के हक में फतह हो गई। महीनों के बाद कहां पहुंचे मालिक? फतह की दहलीज पे, जहां से अब थोड़ी देर में फतह मिलने वाली है। अमीर शाम ने अमरियास से कहा, अब क्या होगा, अब तो मैं गया, कहा तुम परेशान मत हो, ये मुसलमान है, एक जरा शोरोगोगा कर दो इधर से उधर हो जाते हैं। उसे क्या क्या नैजों पे जुजदानों में एक पत्थर भरे और लोगों के सामने का, ये कुरान है हमारे तुम्हारे दरमियान, आपस में खून बहाना अच्छा नहीं है, ये कुरान है और कुरान को सामने रखते हुए हमें शुरू कर लेनी चाहिए। जो ही कुरान नैजों पे बुलंद हुए, उधर वाले नहीं इधर वाले, ये है अली वाले, कब भाग जाए? नहीं बुरी बात नहीं है जिदाने के रामी, सब हो चुका है, तारीख गवाह इसकी, इसलिए हमें दोनों तरफ निगाह रखने चाहिए कि हम हैं किधर। मौला के लश्कर में जो अमीर शाम से लड़ने आए थे, उन्होंने कहा अली दरमियान में कुरान आ गया है, दरमियान में कुरान आ गया है, जंग बंद, अब मुसालियत होगी, मालिक जहां है वहां से वापस बुलाओ। मौला फरमाते हैं लड़ते रहो, ये तुम्हें धोखा दिया जा रहा है, इनको क्या पता कुरान क्या चीज है, अगर ये कुरान को कुछ समझते तो वारिस कुरान से जंग नहीं करते। मगर जब आदमी भागता है तो उसे कुरान सुनाओ कि हदीस, इमाम कहे या नबी, उसकी समझ में कुछ नहीं आता। सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये अली अमीर शाम वालों को नहीं समझा रहे, अपने लश्कर को समझा रहे हैं कि उनको कुरान से क्या वास्ता है, अगर वो कुरान से कोई वास्ता रखते वारिस कुरान से जंग न करते। तवज्जो है ज़िदाने गिरामी। मगर जब आदमी खाली जज्बात को दीन समझता है तो यही हालात होते हैं, खाली जज्बात को जब दीन समझता है तो यही हालात होते हैं। अगर आप मुतवज्जे हैं तो मैं आपकी खिदमत में गुजारिश कर दूं कि रसूलुल्लाह के बाद अहले बैत को किनारे किया गया, हदीसों पे पाबंदी लगाई गई, इसलिए कि उससे फजाइल अहले बैत सामने आ रहे थे। कोई खतीब नहीं, कोई आदिम नहीं, इमाम है।
نماز کو مذہب نہیں کہا جاتا, احکام الہیہ کو مذہب کہا جاتا, ارشادات میں محمد و آل محمد کو مذہب کہا جاتا. اور ہمارے تو امیر المومنین کو مجبور کیا گیا کہ مالک کو بلا لیا. مالک جذبات کیا کہہ رہے ہیں؟ جذبات کہہ رہے جنگ جیتو تاکہ علی جانے کے میں صلاحیت تھا. اور فرمائے مہینوں یہ جذبات کام کر رہے ہیں, جنگ جیتو تاکہ علی جی کو پتا چلے جس 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 مرحلے میں رکھا اس کے لائق تھا. توجہ ہے نا؟ اور ادھر امیر المومنین نے یہاں سے کہلوائے مالک سے کہہ دو جہاں ہے وہاں سے واپس آ جائے. آج چند لمحوں میں جذبات کی تکمیل ہونے والی ہے, وہ جذبات جو مہینوں سے کروٹیں لے رہے تھے. ایسے میں علی نے کہا مالک سے کہو جہاں ہے لوٹ آئے. مولا نے دوسرا جملہ کہا مالک سے کہہ دو جب تمہارے درمیان ہم ہی نہ رہ جائیں گے تو جنگ جیت کے چلو. عزیزان گرامی اس فقرے کی اہمیت کو سمجھ. مولا نے کیا کہا جب تمہارے درمیان ہم ہی نہیں رہ جائیں تو جنگ جیت کے کیا کرو گے؟ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے مجھے گھیر رکھا ہے, میں ہی قتل ہو جاؤں گا تو تم جنگ جیت کے کیا کرو گے؟ اتنی جرات کسی میں نہیں تھی کہ علی کو قتل کر دیا. مولا کا کلام ہے یہ, مولا کا مولا پیغام دینا چاہتے تمہارے درمیان جب ہم ہی نہ رہ جائیں گے تو جنگ جیت کے کیا کرو گے؟ جانتے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے ایک آدمی کبھی شخص ہوتا ہے کبھی شخصیت ہوتا ہے. اور بتا رہے قبلہ شخص ہے کہاں؟ اپنے گھر میں, کسی کے بیٹے, کسی کے بھائی, کسی کے باپ, کسی کے شوہر, شخص. اور اس ماحول میں شخصیت, جس دن یہ ماحول ان کی باتیں سننا چھوڑ دے اس دن یہ اپنے لباس پہ رہ کے بھی کیا کریں گے؟ صلوات علی محمد وآل محمد. علی یہ نہیں کہہ رہے کہ میں شخص ہوں میں بچاؤں گا, علی یہ کہہ رہے میں شخصیت ہوں, مالک اس طرح میں شخصیت ہوں, تم میرے حکم سے یعنی صاحب امر کے حکم سے لڑ رہے ہو. ایک نماز اگر میرے حکم کے بغیر لڑے تو جب تمہارے اندر میں ہی نہیں رہ گیا. سر صاحب امر کی اہمیت ہی نہیں رہ گئی, امام وقت کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی تو آپ یہ جیت کے کیا کرو گے؟ جو ہی یہ جملہ سنا مالک نے وہیں سے لوٹے, جنگ کو ہار میں بدل کے وہیں سے لوٹے. لوٹتے ہی بازو پہ تیر پڑا مگر پلٹ کے جواب نہیں دیا. میں کہوں گا میرے مولا کے عظیم ترین سے پہچانا اتنا تو بتا دو تم مہینوں علی کے حکم سے لڑے تھے, اگر آج آدھ گھنٹہ ایک گھنٹہ امام کو کیا پتا ہو تو پیچھے ہے تم سے لشکر کے طلب جو ہو تم دیکھ رہے ہو پوزیشن کیا ہے تو اتنے دن تم علی کے حکم سے لڑے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ بغیر روپے علی کے لڑ لیتے. جنگ جیتتے تو تمہاری جیتی نہیں کہی جاتی علی ہی کی کہی جاتی. تو پھر اتنی بھی پابندی کیا ہے کہ وہاں پر جا رہے ہو؟ پابند جو ہے میرے جانے کے رامی جناب مالک اشتر بتائیں علی کا شیعہ کون ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں بدل دینا میرے لیے آسان ہے مگر ایک لمحے کے لیے حکم امام سے سرکابی کر کے ستار علی نہیں بن پاؤں گا. ایک وہ رخ جو میں نے پہلے پیش کر ایک یہ رخ ہے
जो जनाबे मालिक के अश्कर के और बता रहे हैं अगर वाकई तुम में इस्लाम और ईमान और तक्वा है तो सादतीन की मैयत इस अंदाज से होनी चाहिए कि जियो तो और मरो तो, हर हाल में तुम उनके नक्श कदम पे जियो भी और उन्हीं के नक्श कदम पे मरो भी। अजीजा ने कहना भी हम अहले बैत के चाहने वालों के लिए अहले बैत तहरीन ने जो रास्ता बनाया है वो रास्ता यही है कि हम उन्हीं के नक्श कदम पे चलते हुए जी और उन्हीं के नक्श कदम पे चलते हुए मरे। मैं यहाँ पे एक मिसाल दिया करता हूँ कि अहले बैत ताहिरीन का चाहने वाला वो नहीं है जो दो महीना रात में मातम कर ले, एक महीना रोजा रख ले, साल भर वक्त पे नमाज पढ़ ले, समझे मैं अहले बैत का चाहने वाला हूँ। नहीं है जिंदा नहीं करना, मैं अहले बैत के चाहने वालों को बताऊँ बस मैं खत्म कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा इबादत हम कब करते हैं जी? मैं रमजान में अभी गया है, ठीक है ना, उसमें खूब अच्छे अंदाज से हम अजादारी भी करते हैं मौला की और खूब अच्छे अंदाज से अल्लाह की इबादत भी करते हैं। रोजई नहीं, नमाजी नहीं, शबेदारियाँ, तिलावत, इफ्तार और सहर रोने वालों क्या और खुतरा और टका और सदफा सब कुछ करते हैं, ठीक है, इतना करते हैं शायद हम थक जाते हैं। बिल्कुल मैं आखिरी पर आया हूं अपनी गुफ्तगु के, इतना हम करते हैं माह रमजान में कि हमें एहसास होता है अब कोई बात नहीं, अब जितना साल हमने किया था ना सबका हो गया। मतलब नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि ये एहसास हमें कहां लाता है? 29 को जो मौलवी साहब ने बताया कि अभी चांद नहीं हुआ, हमने कैसे कैसे नहीं हुआ, फला जगह तो हो गया है। अरे भी साबित आप ही क्या साबित नहीं है, फला जगह तो हो गया साबित। इतने दिन आपने इस महीने को इबादत का महीना, तौबा का महीना, तिलावत का महीना, सदकात का महीना, खैरात का महीना, तो अगर इतना अजीम महीना एक दिन और बढ़ रहा है तो हमारे ही काम आएगा। यार तो परेशान क्यों होगा, नहीं नहीं सब हो गया है, अब मजिद करने की जरूरत नहीं है। सलावत के मोहम्मद वाले है ना, ये क्यों है ऐसा जहन क्यों बना है? इसलिए कि हमारे सरों पे इबादतें सवार है, इतनी तो कर ली, अब एक दिन नहीं भी करेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना, इबादत सवार। अहले बैत कहते हैं हम तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारे सर पे किस तरह इबादत सवार नहीं रहनी चाहिए, इसलिए कि तुम हमारे पास। खैर उन्होंने हमारी खुशी के लिए कहा ठीक है चलो चांद निकल गया कहीं तो, लेकिन आओ दो रकत नमाज करो ताकि शुक्राना अदा करो जो कुछ तुमने किया ना जिसमें तुम्हें नाज है, तो अगर ताकत खुदा ने नहीं होती तो कुछ ना कर, तो उसका शुक्रिया तो अदा करो और दो रकत नमाज पढ़ो। ईद के दिन जब हम उस एक महीने की इबादत का खुमार अपने सर पर सजाए हुए नमाज ईद के लिए आए तो देखने में दो ही रकत नमाज थी नमाज ईद की, लेकिन दोनों उसमें नौ थे और नौ बार अहले बैत ने हमें बताया तुम हमारे वाले हो, एक महीने की इबादत पर फख्र न करना, तुम्हारी जिम्मेदारियां कुछ और है। क्या है जिम्मेदारी? नौ बार हमने कुनूत में पढ़ा वहां तदखुलनी फी कुल खैरिन अदखलत फी है मोहम्मद और आल मोहम्मद वहां तुखरजनी फी मिन कुल सुइन अखरजत मिनहु मोहम्मद और आल मोहम्मद। परवरदिगार ये एक महीने की इबादत तो कुछ नहीं है, आज हम तुझसे दुआ कर रहे हैं कि हमें हर उस अच्छाई में दाखिल कर दे जिसमें मोहम्मद और आल मोहम्मद को दाखिल किया है, हर उस बुराई से बचा ले जिन बुराइयों से अहले बैत हमें यहां लाना चाह रहे इस मोहब्बत के से, अहले बैत हमें यहां लाना चाह रहे इस मोहब्बत के से, और इसीलिए ईदी के दिन नहीं वो तो हर हाल में हमारे किरदार की बुलंदी चाहते हैं। कहते ईद का दिन होगा तो हमें याद करो, तब तुम्हें याद करना है, और जिस दिन तुम हमारे गम में कहोगे हम दुआ नहीं करेंगे तो उस दिन भी हम उसी गम के दिन जिस दिन हमारा पूरा घर उजड़ चुका हो तुम्हारे किरदार को संवारने का काम करते हैं।
दस मुहर्रम सबसे कम का दिन है ना, उस दस मुहर्रम में हम कहते हैं हम दुआएं नहीं करेंगे, मुसाफिया नहीं करेंगे, लोग सलाम भी नहीं करते, क्यों? आज कम का दिन है, रसूलुल्लाह का भरा हुआ घराना नहीं है, तो लोहा करेंगे मातम करेंगे जुलूस। और आशूरे क्या, जब हम आशूरे के अमल करने बैठे हमारे घर से एक जनाजा निकल जाए तो हमें किसी और की फिक्र नहीं है, लेकिन अहले बैत के घर से पूरे घर का जनाजा निकल चुका, लेकिन अहले बैत को भी हमारी फिक्र है। जब हम ज़ियारत आशूरा के लिए खड़े हुए तो पढ़ते पढ़ते अचानक हमसे कहलवाया गया, अल्लाहु मया किए नहीं है फयात मोहम्मद बहाल है, परवरदगारा तू मुझे वो जिंदगी दे जो मोहम्मद वाले मोहम्मद से, हमित नहीं ममत मोहम्मद बहाल है मोहम्मद, परवरदगारा तू मुझे वो मौत इनायत करना जो मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीजो करबला वालों ने मरहले को महसूस कर लिया, ये मोहब्बत क्या चीज है, तो उन्होंने घर छोड़ा, औलादें छोड़ी, अजीजों को छोड़ा, दोस्तों को छोड़ा, और इमाम के साथ वो नहीं जो चाहने वाले थे, वो भी जो सही तरीके से नहीं चाहते थे। मैं यही बात की जरूरत को तमाम करूँ जो अभी सही तरीके से नहीं चाहते, इसलिए इतनी देर मैंने कहा कि हम अपना जायजा लेते रहे, लेकिन हमारे अंदर अगर थोड़ी सी भी अहले बैत की मोहब्बत है तो हमेशा उसका शुक्र अदा करें, यही हल्की सी मोहब्बत हमारी निजात का जरिया है। मक्के से जब इमाम हुसैन सलाम हज को उमरे से बदल के निकले तो एक काफिला और उस काफिले को पता चला कि हुसैन ने मक्का छोड़ दिया है और इराक की तरफ जा रहे, तो उसके अंदर एक बेचैनी पैदा हुई, सरदार ने कहा जल्दी जल्दी अरकान हज अदा करो और चल के हुसैन के काफिले से मिलो, का काफिला पहले निकल गया, इन्होंने अरकान पूरे किए और ये भी निकले तेजी से जाके इमाम इस्लाम से मिल गए, लेकिन जब इमाम के काफिले के करीब गए तो कभी कभी किसी तरफ जाने के दो रास्ते होते हैं, एक रास्ता ये है एक रास्ता ये, तो जब करीब आए तो उधर नहीं गए जिधर हुसैन मिला, ये तो खाली वाला रास्ता था, इसका जानते हैं किसका काफिला है, जनाब जोहर है, सुहैर जब तुम हुसैन को निगाह में रख के आए हो तो हुसैन के साथ काफिले में आ जाओ, का नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, इसलिए कि अभी ये ना अलवी है ना हुसैन, अभी ये उस्मानी फिक्र के हमले, फिक्र कह रही है हुसैन के साथ इकट्ठा नहीं होगा, फिर आगे बढ़ता हूँ कभी ये भी नहीं, कम से कम फर्जंद फातिमा निगाहों में रहे, उस पर कोई आफत तो नहीं है, हम देखते रहे, वो थोड़ी सी मोहब्बत थी बावजूद की फिक्र बेदो वाली नहीं थी, वो थोड़ी सी मोहब्बत थी जो काम कर रही थी, हम हुसैन को अकेला नहीं छोड़ा। एक जगह जब जनाब जोहर का काफिला रुका, हुसैन ने कासिद भेजा जाके जोहर से को हमारी मदद नहीं करोगे, जोहर खैमे से निकले और बहुत सीधी सीधी बात कह दी, हुसैन से कह दो हम आपके और यजीद के बीच दख नहीं देना चाहते, इसीलिए हम आपसे अलग अलग चल, इससे साथ भी बात हो सकती, आसिफ वापस आए, सुहैर अपने खैमे में गए, सौदा ने पूछा कौन आया था, तो हुसैन का कासिम क्या कह रहा था, हुसैन ने मुझे मदद के लिए बुलाया, तुमने क्या कहा, मैंने कहा मैं हुसैन और यजीद के बीच में आना नहीं चाहता, और उसे सौदा ने देखा कल सुहैर तुम्हें फातिमा के नाम में बुलाया, अली के दिलबंद ने रसूलुल्लाह के नवासे ने बुलाया था, मदद के लिए बुलाया था, तुमने ये जवाब दिया, अब भी तुम ये समझ रहे हो कि तुम मुसलमान हो, नहीं मालूम किस लबो लहजे में जौजा ने यह बात कही कि इनकलाब है, और अब जो बाहर आए हैं तो अपने काफिले से कहते तुम सब आजाद हो चले जाओ, अब तुम कब हुसैन की तरफ जा रहा, यह कह के अंदर जोजा से कहते तुम भी आजाद हो, यह काफिला जा रहा है चली जाओ, और देखो मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं ताकि मेरे बाद तुम दूसरी शादी करके सुकून से जिंदगी गुजारो, इस काफिले के साथ चली जाओ, कहा जोहर तुम कब मैं हुसैन की तरफ जाऊँ,
रोजा ने कहा सुहैर तुम हुसैन की तरफ जा रहे हो तो मैं भी हुसैन की तरफ जाऊँगा। नहीं मगर मैं तुम्हें नहीं ले जाऊँगा। मगर क्यों? सुनिए गाजीजो कि जब ये मोहब्बत हमें और आपको संवारना चाहती है, हमारी निजात का जरिया बनना चाहती है तो होता क्या है? मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मैं देख रहा हूं कि हुसैन जिस रास्ते पे जा रहे हैं कत्ल कर दिए जाए। अभी गए नहीं है, पहले से बताया हुसैन जिस रास्ते पे जा रहे हैं कत्ल किए जाए और देखो उनका पूरा काफिला मारा जाए। और सुनो ये जो मैं जा रहा हूं ना मैं भी कत्ल कर दिया। ये तीन खबरें ज़ुहैर ने घर खैमे से निकलने से पहले दी। हुसैन मारे जाएंगे, काफिला मारा जाएगा, मैं जा रहा हूं मैं भी मारा। अच्छा तो ठीक है, मुझे क्यों नहीं ले जा रहा? क्या तुम्हें पता है ना अरब वाले जब किसी को कत्ल कर देते हैं तो उनके घराने के साथ क्या सलूक करते? मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ वो सलूक। एक मर्तबा ज़ौजा कहती है ज़ुहैर अभी तुम कह रहे थे कि हुसैन मारे जाएंगे काफिला मारा जाएगा, कहां का बावजूद है कि हुसैन मारे जाएंगे? हुसैन ज़ैनब को लाए हैं, उम्मे कुलसुम को लाए हैं, रुकैया और रबाब को लाए हैं। ज़ुहैर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, जो उन शहजादियों पर गुजरेगी मैं भी उसे बर्दाश्त। अब ज़ुहैर असली बात कह रहे हैं, फरमाते हैं मुझे पता है हुसैन ज़ैनब को लाए, मुझे पता है हुसैन उम्मे कुलसुम और रुकैया और रबाब को लाए, मगर हुसैन हुसैन है, ज़ैनब ज़ैनब, न मैं हुसैन हूं न तुम ज़ैनब। मैं तुम्हें इसलिए नहीं ले जाऊंगा कि जिस शहादत के रास्ते पर मैं जाना चाहता हूं कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी मोहब्बत उस रास्ते पे जाने से रोक। अज़ीज़ा निगरानी ज़ुहैर इस अंदाज से आते और फिर क्या कारण नुमाया अंजाम देते। ज़ोहर का वक्त आया, अबू शमामा ने कहा बोले वक्त ज़ोहर हो गया, इमाम ने हबीब से कहा इजाजत ले लो, दुश्मन ने बदतमीजी की इजाजत नहीं दी। ज़ुहैर और सईद ने आवाज दी बोला हमारे होते हुए दुश्मन आपको नमाज से रोके मुमकिन नहीं है, आका आप नमाज अदा करें, हम अपने सीनों पे तीर और तबर और शमशीर को रोकेंगे। यह कह के सीना सिपर होकर खड़े हो गए। इधर इमाम ने नमाज शुरू की, बार बार तीर और तबर आके कभी इस सीने पे कभी उस सीने पे लग रहे हैं। मौत का फरिश्ता मुंह खोले खड़ा है और शायद ये दोनों सहाबी इमाम कह रहे हैं खबरदार मलकुल मौत करीब आने की कोशिश न करना, हमने अपने इमाम से कहा है मौला आपकी नमाज मुकम्मल कराएंगे। जो ही इमाम ने सलाम फेरा एक तरफ ज़ुहैर गिरे एक तरफ सईद गिर गए, मौला हमने हफ्ते वाकत अंजाम दे दिया। इमाम रोने लगे मेरे साथियों इससे बढ़ के तो यहां हो सकता है तुम्हारी वजह से तुम्हारे इमाम की नमाज मुकम्मल हो गई। ए ज़ुहैर और सईद असर का वक्त आ गया, हुसैन घोड़े से गिर गए, नमाज असर का वक्त है आओ आखिरी नमाज पढ़ा दो। ज़ुहैर कहते हैं अब ये जिम्मेदारी इमाम की है, इमाम ने जाके करबला इकट्ठे की पेशानी रखी इलाही कद वफ़े तो बेहदी ऊफ़ बेहदी परवरदगारा मैंने अपना वादा वफा किया तू अपना वादा वफा। अल्लाह रहमतुल्लाह अलैकुम सलाम और उसके साथ मिला और जब हम
और यहाँ की जो मोहरीन दुनिया में सबकी ये सबके ऐसा सवाल Thank you.